Dear students of class 5th, I am continuing my lecture on growing plants of your EVS book. As I have told you in earlier lecture about the vegetative propagation which was ended, now I am start with agriculture. What do you mean by agriculture? Agriculture क्या होता है बेटा? जब हम बहुत सारे प्लांट्स को लार्ज स्केल पे ग्रो करते हैं फूड पर्पसेस के लिए तो हम उसे एग्रीकल्चर बोलते हैं. मींस द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन लार्ज स्केल फॉर फूड पर्पसेस इज नोन एज एग्रीकल्चर. जब हम फूड पर्पसेस मतलब जो हम फूड जो हम ईट करते हैं जो हम खाना खाते हैं उसमें हमारे पल्सेस हैं वेजिटेबल्स हैं फ्रूट्स हैं ठीक है तो वो फूड हो गया हमारा. जब हम फूड पर्पस से बहुत सारे प्लांट्स को एक लार्ज स्केल पे एक लार्ज लेवल पे एक लार्ज फील्ड में ग्रो करते हैं तो दिस प्रैक्टिस इज नोन एज एग्रीकल्चर. एंड द प्लांट्स विच आर ग्रोन इन ए पर्टिकुलर एरिया और ए पर्टिकुलर रीजन ऑफ द सेम काइंड इज सेट टू बी अ क्रॉप. जो प्लांट्स ग्रो किए हैं हमने उनको हम बोलेंगे क्रॉप और उस प्रैक्टिस को क्या बोलेंगे एग्रीकल्चर. क्लियर? स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चर. अब एग्रीकल्चर करने के लिए फार्मर को जो है वो अलग अलग स्टेप्स लेने पड़ते हैं. किस तरह से? जैसे सबसे पहले फार्मर क्या करता है अपने फील्ड को रेडी करता है. ठीक है, फील्ड को रेडी करने के लिए वो प्लोइंग करता है. प्लोइंग का मतलब क्या होता है? टू डिग द अपर लेयर ऑफ द सोयल टू लूज द सॉइल एंड मेक इट सॉफ्ट. ठीक है, ऊपर वाली मिट्टी को खोदना नीचे तक, नीचे वाले जो बड़े बड़े से उसके निकलते हैं मिट्टी के बड़े बड़े से पार्ट्स निकलते हैं गट्ठे से निकलते हैं उनको वो ऊपर लेकर आता है. ठीक है, वो खोदता है पूरी मिट्टी को लूज करता है और फिर उसके बाद वो जो मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े हैं उनको लेवल करता है, उनको तोड़ के उस मिट्टी को लेवल करता है ताकि मिट्टी जो है वो लूज हो जाए. ठीक है, अब सॉइल को लूज करने का पर्पज़ क्या है? सॉइल को लूज करने का पर्पज़ ये होता है बेटा ताकि जब वो सीड्स वगैरह डालेगा तो जो सीड है वो डेप्थ में जाए उस मिट्टी के अंदर जाए और उस सीड को ब्रीथ कर सके. वो सीड ब्रीथ करेगी उसको एयर मिलनी चाहिए, मिनरल मिलने चाहिए, वाटर मिलने चाहिए, एयर मिलनी चाहिए, सब चीज़ें मिलेंगी तभी वो सीड जो होगा वो धीरे धीरे ग्रो करके प्लांट की फॉर्म लेगा. ठीक, तो टू मेक द सॉइल लूज टू मेक द सॉइल सॉफ्ट इज मीन्स प्लोइंग. और ये प्लोइंग किससे होती है? प्लो जो होता है एक इंस्ट्रूमेंट है, प्लो इज एन इंस्ट्रूमेंट जो वो बुलक्स के पीछे लगाता है. आप पिक्चर में देखो आपको दिखाई दे रहा होगा बुक के जो टेक्स्ट बुक के पेजेस सेंड कर रही हूँ उसमें प्लो बिल्कुल पीछे से क्लियर नजर आएगा आपको. ठीक है, कि बुलक्स के पीछे जो है वो प्लो लगा हुआ है, बुलक चलता जाएगा नीचे पीछे से प्लो जो है वो अपना काम करता जाएगा मिट्टी को खोदता चला जाएगा. फिर एक लेवलर होता है. ठीक है, वो जब मिट्टी खुद जाती है उन गट्ठों को तोड़ देता है मिट्टी के गट्ठों को फिर वो उससे लेवल करता है पूरे लैंड को बराबर लेकर आता है. उसके बाद क्या करता है वो फार्मर? सॉइल के अंदर मैन्योर और फर्टिलाइजर डालता है. ठीक है, मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करने का पर्पस होता है सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करना. मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सॉइल टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी. एक्चुअली क्या है, फार्मर अगर रेगुलर अपनी प्लांट ग्रो करता रहता है तो धीरे धीरे सॉइल के अंदर कई न्यूट्रिएंट कम हो जाते हैं. अब जैसे अगर हम एक ही जैसा खाना लगातार खाते रहेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर भी न्यूट्रिएंट कम हो जाएंगे. एक पर्टिकुलर टाइप का न्यूट्रिएंट हमें मिलेगा, बाकी न्यूट्रिएंट लेस हो जाएंगे क्योंकि हर टाइप के फूड में अलग अलग टाइप का न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है. अब फार्मर ने भी कभी कभी राइस ग्रो किया, कभी मेज ग्रो की, कभी पल्स ग्रो की, तो ऑटोमेटिकली सॉइल के अंदर जो है वो न्यूट्रिएंट लेस हो जाएंगे तो उसे मैन्योर और फर्टिलाइजर्स डालने पड़ते हैं टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. मैन्योर तो वो फार्म में खुद ही रेडी कर लेता है. ठीक है, कैसे रेडी करता है? उसके लिए वो एक पिट बनाता है, गड्ढा बनाता है और जो भी फार्म का वेस्ट होता है ना, जैसे कोई प्लांट डेड हो गया या फिर उसका कोई कैटल डंग है, कैटल डंग मतलब जो एनिमल्स वगैरह उसने रियर कर रखे हैं उनका जो एक्सक्रीटा है. ठीक है, या उसके घर में कोई वेजिटेबल पील है जैसे उसने सब्जी वगैरह काटी तो वो ये सब चीज़ें उनके अंदर डाल सकता है, डेड ब्रांचेस को, डेड प्लांट्स को, लीव्स को, और
उस गड्ढे को ढक देता है मिट्टी को से और पानी का स्प्रे करता रहता है उसके ऊपर, जिससे एक दो महीने के अंदर उसका मैन्योर रेडी हो जाता है और वो उसे स्प्रे कर देता है, बिखेर देता है। अब आपको टेक्स्ट बुक के पेजेस में क्लियर दिखेगा कि वो किस तरह से डाल रहा है अपना मैन्योर फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर वो फार्म में प्रिपेयर नहीं करता, फर्टिलाइजर उसे मार्केट से परचेज करके लाना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, ठीक है। और मैन्योर वो फार्म में ही रेडी कर सकता है, ठीक है। तो दोनों से ही न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो सॉइल को मिल जाते हैं, जिससे सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है, जो सॉइल की जो कंडीशन होती है वो बेटर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका सीड्स डालना, ठीक है। सीड्स आर सोन इन द फील्ड। फार्मर क्या करता है, ये काम वो हैंड से भी कर सकता है, जैसे आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है कि वो हैंड से क्या कर रहा है, अपना रेगुलर डिस्टेंस पे सीड को सो करता जा रहा है, ठीक है। द सीड्स आर सोन एट ए प्रॉपर रेगुलर डिस्टेंस फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। अब ये रेगुलर डिस्टेंस का क्या मतलब है, देखो अगर हम बहुत सारे सीड्स को इकट्ठे डाल देंगे फील्ड के अंदर एक ही जगह पे, तो बहुत सारे प्लांट्स इकट्ठे एक ही जगह पे ग्रो कर जाएंगे। अब एक ही जगह पे जब बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर जाएंगे तो उससे क्या होगा, ना तो प्लांट्स को प्रॉपर अमाउंट में सॉइल से मिनरल मिलेंगे, ना वाटर मिलेगा, ना उसे प्रॉपर स्पेस मिलेगा ग्रो करने के लिए, तो उससे क्या होगा, क्राउडिनेस बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, प्लांट्स जो होंगे उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। तो ऑटोमेटिकली जो फ्रूट्स वेजिटेबल ग्रो करेंगे वो भी सही नहीं होंगे। तो सो सीड्स आर सोन एट प्रॉपर डिस्टेंस एंड एट प्रॉपर डेप्थ। सीड का अपनी प्रॉपर जगह पे जाना, मिट्टी के अंदर ठीक डेप्थ पे जाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर ठीक डेप्थ पे प्लांट की सीड को हम नहीं डालेंगे तो वो सीड जो होगा या तो बर्ड्स खा जाएंगे, ठीक है, बर्ड्स को मिल जाएगा, या फिर वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीड का राइट डेप्थ पे जाने से ही सीड को प्रॉपर अमाउंट में वाटर और मिनरल मिलते हैं सॉइल से। तो अगर सीड्स को अच्छे से ग्रो कराना है ताकि वो हेल्दी प्लांट में कन्वर्ट हो सके, तो दैट शुड बी ग्रोन एट प्रॉपर डेप्थ एंड दो प्लांट्स के बीच में प्रॉपर गैप का, प्रॉपर डिस्टेंस का मेंटेन करना ज़रूरी है। और वो डिस्टेंस का मेंटेन होगा जब हम सीड को डिस्टेंस पे डालेंगे, ठीक है। उसके बाद है प्लांट को वाटर नीड होती है, ठीक है। तो प्लांट एक तो मेथड ये होता है कि भाई अगर हमने सीड इस टाइप से सो किए हैं कि रेनी सीजन अवेलेबल रहेगा उनके लिए राइट टाइम पे, तो जो मॉनसून सीजन होता है वो उसको वाटर अवेलेबिलिटी वैसे ही हो जाती है मॉनसून सीजन की वजह से। और अगर मॉनसून का सीजन राइट टाइम मतलब उस टाइम के हिसाब से सीड्स ग्रो नहीं है तो हमें वाटर सप्लाई देनी पड़ती है प्लांट्स को, क्योंकि एक सीड तब तक जर्मिनेट नहीं करता। सीड के जर्मिनेट होने का मतलब है उसका रूट और शूट का बनना, रूट नीचे की तरफ जाती है और शूट प्लांट की ऊपर की तरफ जाती है, तो वो प्लांट तभी जर्मिनेट कर पाएगा जब उसे पानी मिलेगा, वाटर मिलेगा। तो वाटर इज नीडेड फॉर अ प्लांट टू ग्रो, तो इसे रेगुलर इंटरवल पे हमें देना होता है, दैट इज नोन एज इरीगेशन, ठीक है। सप्लाइंग ऑफ वाटर एट रेगुलर इंटरवल इज नोन एज इरीगेशन, ठीक है। तो वो इरीगेशन मीन्स पानी, एक्स्ट्रा पानी जो फार्मर सप्लाई दे रहा है कैनाल से दे, जो भी आसपास उसके आसपास फील्ड के आसपास जो भी सिस्टम है, रिवर है, कोई कैनाल है, ठीक है, तो वो वहाँ से जो है वो वाटर सप्लाई अपने फील्ड को देता है बाय डेवलपिंग द ड्रेन्स, नालियाँ बनाकर ना वो पानी दे देता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है आपका प्लांट को इंसेक्ट और पेस्ट से बचाना। देखो अब धीरे धीरे प्लांट तो ग्रो कर रहे हैं फील्ड के अंदर, लेकिन प्लांट ग्रो कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर कई बार देखो एक पर्टिकुलर प्लांट टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उसमें एक पर्टिकुलर टाइप का इंसेक्ट और पेस्ट लगने का चांस होता है, ठीक है, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं कीड़े, ठीक है, जो प्लांट को धीरे धीरे खोखला कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो हम अब फार्मर को क्या करना है, अपनी फील्ड अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट भी करना है। अब जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, क्रॉप ग्रो कर रही है, दैट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंसेक्ट एंड पेस्ट। दैट इज डन बाय स्प्रेइंग केमिकल्स एंड दीज केमिकल्स आर नोन एज इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। इंसेक्ट को किल करने के लिए इंसेक्टिसाइड स्प्रे होता है और पेस्ट को किल करने के लिए पेस्टिसाइड स्प्रे होता है। दीज आर केमिकल्स
जो वो फार्मर जो है वो मार्केट से परचेज करके लाता है, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि जो भी जिस टाइप की उसने क्रॉप ग्रो की हुई है फार्मर ने, उससे रिलेटेड जो भी इंसेक्ट पेस्ट लगने के चांसेस हैं वो उसी के अकॉर्डिंग इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड परचेज करता है मार्केट से और उसे स्प्रे कर देता है इन द फील्ड्स। अब आप इसमें पिक्चर में ध्यान से देखो कि जो फार्मर इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहा है उसने अपने माउथ और नोज को कवर कर रखा है बाय यूजिंग अ क्लोथ, ठीक है। तो जब भी वो इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड स्प्रे करता है अपने फील्ड के अंदर, कोई भी केमिकल स्प्रे करता है लाइक फर्टिलाइजर भी स्प्रे करता है, तो भी वो अपने नोज और माउथ को कवर कर लेता है। द रीज़न इज दीज आर केमिकल्स, ये केमिकल जैसे इंसेक्ट और पेस्ट को किल कर रहे हैं इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड, दे कैन हार्म आवर ह्यूमन बॉडी, तो ये हमारी ह्यूमन बॉडी को भी, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो इसी वजह से अपने आप को सेव करने के लिए फार्मर शुड कवर हिज माउथ एंड नोज व्हाइल स्प्रेइंग दिस इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स एट द राइट टाइम। अब आपके इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड स्प्रे हो गए, उसके बाद प्लांट और ग्रो करेंगे, प्लांट के अंदर मैच्योरिटी आएगी, मतलब प्लांट पूरी तरह से बड़ा हो जाएगा और उसके अंदर जो भी ग्रेन वगैरह है जो भी है वो पूरी तरह से फिल हो जाएंगे उससे, मतलब प्लांट्स जो होंगे दे गेट मैच्योर्ड, मतलब उनके अंदर ग्रेन वगैरह का पूरी तरह से बन जाना। तो अब लास्ट स्टेप जो होता है फार्मर का, उसका वो होता है हार्वेस्टिंग। व्हाट डू यू मीन बाय हार्वेस्टिंग? कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ मैच्योर्ड क्रॉप इज नोन एज हार्वेस्टिंग। जब हमारी क्रॉप बिल्कुल मैच्योर हो जाए, बिल्कुल पूरी तरह से अपनी मैक्सिमम जितना वो ले सकती है वो ले लिया, उसके बाद जो है प्लांट जो है उसको कट करके गैदर कर लेते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज हार्वेस्टिंग। ये आप देख सकते हो पिक्चर में क्लियर दिखाया हुआ है कि फार्मर जो है वो अपनी क्रॉप को कट कर रहा है, ठीक है। बेटा आज का लेक्चर आपका यहीं तक ही है, ठीक है। आपको मैंने सारे स्टेप्स बता दिए हैं एग्रीकल्चर के, और एक चीज मैं आप लोगों को और कहना चाहती हूँ कि जो भी पार्ट मैं आपको स्लाइड्स के थ्रू बताती हूँ, आपने उस लेक्चर को ध्यान से सुनना है। उस लेक्चर को ध्यान से सुनने के बाद स्लाइड्स देखते हुए सुनोगे ऑटोमेटिकली, उसके बाद आपने टेक्स्ट बुक के पेजेस को थोरली रीड करना है, ठीक है। थोरली रीड करने के बाद आप चाहो तो खुद रिटर्न प्रैक्टिस भी थोड़ी सी दे सकते हो, क्या आपने, आपको जरूरी नहीं कि क्वेश्चन आंसर क्रैम करने होते हैं। बेटा आप लोग क्वेश्चन आंसर क्रैम करने की हैबिट छोड़नी पड़ेगी आप लोगों को। आपको जो भी चीज़ें जितनी बताई जाती हैं आप उसको अच्छे से समझो। जैसे आपने टेक्स्ट बुक के पेजेस रीड कर लिए, स्टिल आपको लगता है कि अभी भी कुछ कमी रह गई है, तो आप उस लेक्चर को अगेन रीड करो, उन स्लाइड्स को अगेन देखो, ठीक है। और चाहो तो अपने वर्ड्स दे सकते हो, जैसे आपने एक रफ कॉपी ले ली, पेन ले लिया, आपने जो भी पार्ट उसको पढ़ा समझा उसको खुद रिटर्न प्रैक्टिस दो कि मैडम ने जो भी बताया है क्या मैं उसको लिख पाती हूँ। थोड़ा सा पढ़ा, थोड़ा सा समझा उस स्लाइड को, फिर लिख के देख लिया, फिर उसको लेक्चर को फिर से देखा, पढ़ा, फिर मैंने लिख के देख लिया, और फिर उसको मैच भी कर लिया कि वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, ठीक है। तो जब आप ये हैबिट्स बनाओगे ना अपने, तो उसमें क्या होगा, आपको हर सेंटेंस में एक नया क्वेश्चन अराइज होगा आपके माइंड में। और अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है, तो आप अगर आपको आंसर समझ आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो उसे लिख के भेज दो कि मैडम इसका क्या आंसर बनेगा, क्या ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, तो वो मुझे अच्छा लगेगा, बजाय इसके कि अभी मैंने लेक्चर पूरा ही नहीं किया, अभी मैंने लेसन कंप्लीट ही नहीं किया और आप पहले बैक एक्सरसाइज पे आ जाते हो। इतनी क्या जल्दी है हमें बैक एक्सरसाइज करने की भाई? बैक एक्सरसाइज आपने तब करनी है जब मैं आपको बोलूँगी आपका पूरा चैप्टर ओवर हो जाएगा, फिर उसके बाद इसके बाद मैं आपको असाइनमेंट बना के दूंगी। बैक एक्सरसाइज करने के बाद असाइनमेंट बना के दूंगी, उससे आपका जज होगा कि आपको चैप्टर कितना समझ आता है। इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी, लेसन को हमने बहुत अच्छे से समझना है, उसकी रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, हमें कोई जल्दी नहीं है कि हमने फटाफट बैक एक्सरसाइज को अटेम्प्ट कर देना है। मेरी बात समझ आ रही है? मैं बैक एक्सरसाइज तब तक किसी की चेक नहीं करूंगी जब तक मेरा लेसन ओवर नहीं हो जाता, मैं खुद होमवर्क नहीं दे